राधे राधे, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, आज हमारा नहाए खाए का खाना है, यानी इतवार जो करते हैं ना, तो अघन में हमने किया था एक इतवार, तो उसमें उठाया जाता है, ऐसे में बैठाया जाता है, यानी कि समाप्त किया जाता है। तो कल संडे, कल हमारा फास्टिंग रहेगा, आज उसका नहाए खाए। तो आज मैं बना रही हूँ चने की दाल, उसमें लौकी डाल दिया, तेजपत्ता, हरी मिर्च और हल्दी, बस इसको 2-3 सीटी लगा दूँगी अच्छे से। तो ये हमारा आज का प्रसाद हो गया, जैसे नहाए खाए छठ पूजा का बनता है ना, नहाए खाए के बिल्कुल उसी से। इसमें चक्का बचका पकौड़ी आप सब कुछ बना सकते हो। फिलहाल तो काफ़ी लेट हो गया था, इन लोगों को ना सुबह हो गया, सारा घर का पोछा लगाए बर्तन, फिलहाल वो सब वीडियो नहीं डाले, क्या डालूँ इसलिए छोड़ दिया हमने, इतना ना काम था। अब फिर कपड़ा चादर उधर सारा हमने धोया, सारा इतना काम था इसलिए काफ़ी लेट हुआ। फिर नहाने धोने के बाद पूजा वूजा करके इन लोगों को नाश्ता सब बच्चे पाटे के इनको कराई। रात का जो पटर आलू परवल आलू की सब्जी बनाई थी, पटर बोलती हूँ, कितने लोग जगह पटर बोलता वैसे मुँह से निकल गया, तो परवल आलू की सब्जी था, बस रोटी बना के उन लोगों को नाश्ता दिए। और साथ में आज हमारी चटनी बन रही है, ये देखिए आम की चटनी, धनिया और हरी मिर्च की, फिर देखिए चटनी पीसा जाएगा। और ये काला कढ़ाई जो काली वाली कढ़ाई पूरी भी चलती, तो ये हमारा मतलब मीट मछली का नहीं, चिकन वगैरह का नहीं है, और दो कढ़ाई है उसमें नहीं आज बनाया जाता, इसलिए हमने इसमें बनाया है। ठीक है, रंग डिफरेंट हो जाता लेकिन स्वाद डिफरेंट थोड़ी होगा, इसलिए हम चलो इसमें बना लेते हैं। तो आज का हमारा प्रसाद यही है, ये देखिए फ़ौरन पर का सब्जी हो गया, काफ़ी टेस्टी बनती है प्रसाद, जैसे छठ पूजा का नहा खा के बनता है ना, वैसे प्रसाद काफ़ी टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो इस बीच में हमारी दाल हो गई थी, तो दाल का बस कलछन से, ये देखिए हमने नए वाले कलछन निकाले, इसको अच्छे से मैश कर दूंगी, थोड़ा सा मिल जाएगा तो अच्छा हो जाता है मिक्स जैसे, ये देखिए। तो बस अब इसको मैं तड़का लगा देती हूँ, हरी मिर्च तो हमने डाल दिया था, बस जीरा और थोड़ी सी हल्दी हमें कम लग रही थी, तो तेल में डाल दूँगी हल्दी, थोड़ा सा पक जाएगा। तो ये देखिए हमने थोड़ी सी हल्दी और जीरा डाल दिया, जीरा अच्छे से तड़क जाएगा, उसके बाद मैं दाल में तड़का लगा दूंगी। और साथ में सब्जी में थोड़ी सी धनिया पत्ता कट करके डाल दिया, बाकी सब लोग खाना नाश्ता खाना जो भी चाहिए वो लोग कर लेते हैं, अभी तो सब लोग सुबह मॉर्निंग का स्कूल है, सब 11 बजते आ जाते हैं, तो इसलिए खाना नाश्ता जो भी एक बार दो बार फिर खाने का मन होता है तो खा लेते हैं। और साथ में हमारी चावल भी हो गई, तो सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, क्योंकि देखिए फ्रेंड हमारा बर्तन थोड़ा सा नॉन वेज का, इसलिए मैं ठाकुर जी को भोग नहीं लगाती हूँ। खैर आज हमने अच्छे से बनाया भी ना, लहसुन प्याज का बनाया, लहसुन प्याज का बनता तो उससे भी उनको भोग नहीं लगा सकती हूँ, ये सब समस्या है। तो ठाकुर जी के चलिए भोग लगा देती हूँ, तो दाल चावल जो भी हम बनाए थे सब्जी उनको भोग लगा देते हैं। कितना दिन बाद दाल माता के लिए हमने एक प्लेट निकाल दिया है, कितना दिन बाद उनको भोग लगाने के बाद, तो मैं अपना प्रसाद निकालूंगी खाने के लिए। तो ये देखिए अभी तो गर्म है, गौ माता को दूंगी नहीं, और काफी धूप भी है, देखते हो कहीं बंधी होंगी तो दे दूंगी, वरना अभी शाम को दूंगी। तो चलिए जब तक मैं खा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्म था। और ये हमने तुलसी का पत्ता डाल दिया, हमने खाने में भी एक ही तुलसी का पत्ता डाल दिया था, बस उनको भोग लगा देती हूँ ठाकुर जी के लिए, पर्दा लगा दूंगी। चलिए हमारे ठाकुर जी काफ़ी दिन के बाद छठ पूजा में भोग लगाती हूँ, बस ये और रहता है उसमें भोग लगाती हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज का जब भी नहीं बनता उनको भोग लगाती हूँ, और उसके बाद चलते हैं। और ये देखिए चलते हैं अब हम अपने लिए प्रसाद निकालने। तो ये देखिए हमारा प्रसाद। तो चलिए फ्रेंड कौन कौन कर रहा है इतवार हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को हमें सब्सक्राइब करिएगा, और आप भी खाइए प्रसाद। चलिए तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।